आप सब लोग उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये एक मैंने सूट लगा दिया हुआ है, ये प्योर शिफोन, या इसको बैम्बर भी कहते हैं, शिफोन भी कहते हैं, पाकिस्तानी प्योर शिफोन भी कहते हैं, ठीक है। वो मैंने एक सूट शर्ट और दुपट्टा हैंड में पेंट करूंगी, और उसके लिए जो मैं कलर यूज़ करूंगी वाटर बेस्ड कलर होंगे, वो मैं किस तरीके से बनाऊंगी। पास कलर होते हैं कि आप वाटर बेस्ड कलर यूज़ करते हैं ना, तो वो ड्राई होने के बाद बहुत डल हो जाते हैं। ये कलर मैं इस तरीके से बनाऊंगी, बहुत सॉफ्ट कपड़ा रहेगा, इसको लगाने के बाद कपड़ा हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट रहेगा बिल्कुल, और कलर भी ब्राइट आएंगे। कलर ब्राइट किस तरह आएंगे मैं आपके सामने कलर बनाती हूँ, आप लोग देखें किस तरह बनेंगे। ये कलर बहुत अच्छे आते हैं, ब्राइट आते हैं, और कपड़े से धुलने से उतरते नहीं है, बाद शेड होते हैं कि निकल जाता है, लेकिन ये जो वाटर बेस्ड कलर मैं अभी बना रही हूँ ये बिल्कुल नहीं उतरेंगे। आप इसको जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें, ठीक है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आप देखें मैं कलर किस तरह बना रही हूँ और उसको फिर किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर थोड़ा सा पेस्ट का इस्तेमाल करूँगी, उससे कलर बहुत ज़्यादा मतलब पानी की तरह जो फैलता है ना वैसा नहीं होगा और बहुत ब्राइट आएगा। आप देखें मैं आपके साथ, ये देखें सबसे पहले सिंपल ये पानी, सादा पानी डाला है, डाल दिया पानी मैंने, ठीक है। इसके अंदर ये मैंने पेस्ट मिक्स करके रखी हुई है, वाइट पेस्ट और आरटी पेस्ट, आपको ये केमिकल की शॉप से मिलेगी। इंशाल्लाह मैं इन डिटेल वीडियो अभी बनाने वाली हूँ आपके लिए कि कलर कैसे बनाने हैं, किस किस तरह से आप इन कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किस किस कपड़े पे यूज़ कर सकते हैं, डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। तब तक कर ये देखिए, अब ये मैंने वाइट पेस्ट और आरटी पेस्ट इक्वल क्वांटिटी में लेके मिक्स करके इस बॉटल में डाल के रख लिया, ठीक है। अभी मैंने पानी डाल लिया, पानी के अंदर मैं डालूंगी बस सिर्फ इतनी सी, ये डाल ली अपने, और इसके बाद डालूंगी बाइंडर, यूडी बाइंडर डाल लें या ताइवान बाइंडर डाल लें, आपके पास कोई भी बाइंडर है आप वो डाल लें। बाइंडर कितना डालेंगे, बाइंडर जरूरी नहीं है बिल्कुल, मतलब आप अंदाजे से डालें, थोड़ा सा बस डालें, एक चम्मच दो चम्मच थोड़ा सा इतना सा होना चाहिए, ये थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो जाए तो उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये हमने डाल लिया, ये ले, अब ये हमारा वाइट कलर ये रेडी हो गया। अब हर कलर मैं इसके अंदर बनाऊंगी, जितने भी मुझे शेड चाहिए इस कपड़े के ऊपर, जो जो मैंने शेड लगाना है वो मैं इसमें से कलर लूँगी, ठीक है, ये लेती जाऊँगी। जैसे ये मैंने ले लिया, अब मुझे इसके अंदर चाहिए ऑरेंज शेड, मुझे बनाना है ऑरेंज कलर, ये मेरे पास ऑरेंज कलर है, ये इसी तरह मिलते हैं, ये ओरिजिनल कलर होते हैं, इसका रॉ कलर भी रॉ मटेरियल होता है, इसको केमिकल की शॉप से मैं खरीदती हूँ। ये ले लिया, ये सब देखे सारे केमिकल्स हैं, ठीक है, ये अलग से लिया है मैंने, बाइंडर अलग से लिया है, ये आपको केजी के हिसाब से लीटर के हिसाब से सारी चीज़ें मिलेंगी, और ये इसके अंदर, ये कभी भी डायरेक्ट कपड़े पर अप्लाई नहीं करते, अगर कपड़े पर अप्लाई करेंगे कपड़ा सारा ख़राब हो जाएगा, इसका वन ड्रॉप आप अगर कपड़े पे गिर गया उसके ऊपर पानी लगेगा, वो पूरे दुपट्टे पे फैल जाएगा और दुपट्टा ख़राब हो जाएगा, ठीक है, कपड़ा आपका ख़राब हो जाएगा, इसीलिए आप इसको बनाते हैं और फिर यूज़ करते हैं, और इन कलर्स को अच्छे से टाइट करके रखें, फिर ये ड्राई नहीं होते, अगर आपने हल्का सा इसको बंद किया और रख दिया कुछ अर्से के बाद ये कलर ड्राई हो जाते हैं, अच्छे से इनको टाइट करें और रख दें। और ये मैंने ले लिया, थोड़ा सा ज़्यादा वापस डाल ये ले लिया, और ये कितना हमने यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ, बस ये देखिए ये शेड, ठीक है, ये आपको ये मेरा कलर ऑरेंज कलर रेडी हो गया। इसी तरह मैं इसके अंदर रेड कलर, येलो कलर और पीच कलर, मुझे ये शेड चाहिए ब्राउन कलर, मैं इसमें से लेती हूँ और सारे शेड मैच करके फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो अब मेरे सारे शेड्स मैच हो गए हैं, जो कलर मुझे इस सूट को चाहिए थे, ठीक है, ये डार्क पीच शेड है, आपको इस ना देखने में कुछ और शेड लग रहा होगा लेकिन जब कपड़े पे लगेगा ये थोड़ा सा डिफरेंट शेड आता है, ठीक है, ये पिंकिश पीच है और ये ऑरेंज पीच है, ये पीच है, रेड है और ब्राउन, ठीक है, ये मैंने पांच कलर मैच कर लिया। अब इसके अलावा मैं मैच इसके लिए बनाऊंगी आउटलाइन, आउटलाइन करके मैंने काम करना है, तो उसके लिए ये देखें ये पीवीएस जेल, ये मैंने बनाना आपको सिखा दिया, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके अंदर मैं डालूंगी ग्लिटर, सिर्फ और कुछ कोई चीज़ नहीं डालूंगी, सिर्फ इसके अंदर ग्लिटर डालूंगी, उसके साथ मैं आउटलाइन करूंगी, मैं बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये इसके अंदर हमने डाला है पीवीएस जेल, ये बनाना मैंने आपको सिखाई है, ठीक है, ये पीवीएस जेल डाल दी, और इसके अंदर हम डालेंगे ग्लिटर, बस जस्ट ग्लिटर,
ये ब्रेड है ना, आपको दो तरह का मिलेगा, एक बहुत बारीक होता है और एक थोड़ा सा मोटा मोटा सा होता है। आपने बारीक लेना है क्योंकि नोजल में यही डलता है। अगर मोटा वाला डाल देंगे वो नोजल में बार बार फंसता है और वो बहुत तंग करता है। आपने यही लेना है बस। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये हमारी आपने रेडी हो। ये बारीक कपड़े पे इस तरह के आप प्योर शिफोन पे लगाएं, शिफोन पे लगाएं, किसी बारीक कपड़े पे लगाएं तो ये आउटलाइन उतरती नहीं है। कॉटन पे लगाएं या किसी भी सूती कपड़े पे लगाएं, उससे उतर जाती है, कम हो जाती है, कहीं कहीं से उतर जाती है, ग्लिटर कम हो जाता है। ये दुपट्टा मैंने पिनअप कर लिया हुआ है और अब ये देखिए, ये मैंने इसके अंदर वो अपना जो बनाया था ग्लिटर वाला आउटलाइन, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मैं फ्रीहैंड बना रही हूँ, अगर आपको इतना ईजी लगे आप ये बना लें, नहीं तो आप ट्रेस करके आप उसके ऊपर बना सकते हैं, लेकिन फिर उसका ये ग्लिटर आउटलाइन नहीं इस्तेमाल होगी, उस पर आप गोल्डन या कुछ सी कलर में बनाएं। ठीक है, सबसे पहले जो मुझे डिज़ाइन बनाना है, ये सिर्फ शाइन करेगी आउटलाइन, ग्लिटर शाइन। मैं अपने पूरे दुपट्टे पे देखिए, मैंने दुपट्टा पिनअप किया था। अब इसी तरीके से मैं पूरे दुपट्टे पे ये आउटलाइन करती हूँ और फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा डिज़ाइन होता है। मैं आपको एक दफ़ा दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैंने अपने दुपट्टे का डिज़ाइन बनाया। फ्री हैंड आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में आए, जो आप बनाना चाहें आप बनाएं। ये मैंने अपने दुपट्टे पे बनाया, ये सिर्फ सारे इसी तरह जोड़ जोड़ के फ्लावर से एंड तक, ठीक है, पूरे दुपट्टे पे बनाया। इस तरह आपको प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहे क्योंकि आउटलाइन वाइट के ऊपर वाइट ही है, ग्लिटर वाली। ठीक है, ये आउटलाइन भी आप एक दफ़ा देख लें, बहुत अब मैं इसके अंदर आपको कलर करके दिखाती हूँ मैं किस तरीके से कलर करूँगी। ये सबसे पहले मैंने इसके अंदर, ये देखें, सबसे पहले मैंने इसके अंदर क्या लगाया, पानी, सिंपल पानी और कुछ नहीं है इसके अंदर मैंने डाला हुआ, कोई बाइंडर, कोई केमिकल, कुछ नहीं, सिंपल पानी लगा लिया। ये मैंने यहाँ एंड तक पानी इसलिए लगाया क्योंकि कलर में मैंने पेस्ट डाला है। अगर मैं पेस्ट नहीं डालूँ, सिर्फ पानी के अंदर मैं बाइंडर और कलर डालूँ, तो फिर मैं ये यहाँ एंड तक नहीं लगाऊंगी। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पेस्ट डाला है तो इसलिए ये कलर तेज़ी से फैलेगा नहीं, आगे स्प्रेड नहीं होगा, इसलिए मुझे पानी एंड तक लगाना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैंने इसमें पानी लगा लिया। अब इसके अंदर मुझे कलर करती हूँ मैं, सबसे पहले यहाँ पे ऑरेंज, इसके नीचे येलो कलर, ये ऑरेंज का शेड मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था, वो मैं डार्क करके नहीं, ठीक है, मैंने डार्क कर लिया। अब हम इसी तरीके से यहाँ पे लगाते जाएंगे, ये आउटलाइन के साथ ख्याल करके अपने लगाना है, आउटलाइन से बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है, नीटनेस खराब हो जाती है। लाइट शेड हम यहाँ पर लगाएंगे ऐसे, इस तरीके से अच्छे से कवर करके इसको, यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा। अभी मैं पूरा खुल करके आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, अब हमारा ये कंप्लीट हो गया फोल्ड। अब मैं आपको सेंटर का कलर दिखा दूँ, मैं कौन सा लगा रही हूँ, डार्क ब्राउन शेड मैंने बनाया है, वो हम इस जगह पे लगाएंगे। यहाँ पे पानी नहीं लगाएंगे, बिल्कुल कोई वाटर नहीं का यूज़ नहीं होगा, सिंपल कलर लेते जाएंगे क्योंकि बहुत छोटे से डॉट्स बने हुए हैं, ठीक है, सर्कल हैं छोटे छोटे से, इसके अंदर हम ऐसे ये डार्क ब्राउन शेड करेंगे। डार्क ब्राउन शेड करने के बाद जो सेंटर में रह जाएगा वहाँ पे आपकी
अपनी मर्जी, आपको जो से अच्छा कलर लगता है, आपको येलो अच्छा लगता है, ऑरेंज लगता है, ब्राउन लगता है। मैंने एक इसके साथ रेड का शेड भी बनाया, मैं इसके सेंटर में रेड कलर लगाती हूँ। मैं रेड कलर लगा के ये कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। ये ले, मैंने यहाँ पे भी कोई पानी नहीं लगाया क्योंकि मुझे यहाँ पे स्प्रेडिंग नहीं करनी, मुझे सिंपल एक ही शेड चाहिए। अगर आप पानी लगाना चाहते हैं तो आप पानी भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इतना कलर लगा लिया, ठीक है। आप इसके साथ पानी लगाएं, ये शेड तेज़ी से स्प्रेड हो जाएगा, लाइट डार्क हो जाएगा, कहीं से लाइट कहीं से डार्क, ठीक है। अगर आपने पानी नहीं लगाना, आप ना लगाएं, आप सिंपल कलर भी लगा लें दरमियान, वो भी अच्छा लगेगा। ये रेडी हो गया। इसी तरीके से मैं सारे फूल बनाती हूँ, मैं आपके साथ दिखाती हूँ। मैं डिफरेंट डिफरेंट शेड यहाँ पर, अगर येलो लगाऊंगी तो अंदर ऑरेंज लगा दूंगी, रेड लगाऊंगी अंदर येलो लगा दूंगी, इस तरह डिफरेंट करके पूरे दुपट्टे के मैं ये फ्लावर्स कंप्लीट करती हूँ और आपको साथ साथ दिखाती हूँ। आप पूरी वीडियो एंड तक देखें। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कलर जो आप मुझे बार बार, अक्सर सब्सक्राइबर हैं बार बार मेरे से पूछ रहे हैं कि आप कलर किस तरीके से बनाती हैं और कहाँ से लेती हैं। डिटेल्ड वीडियो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिल जाएगी। मैं कलर आपको बनाना भी सिखाऊंगी, अभी भी आपके सामने ही बनाती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इसके अलावा जो कुछ रह गया, जो कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही, सारी वीडियो आपके सामने ही बनाऊंगी, लाइव आऊंगी आपके सामने, सारे कलर बनाऊंगी। उसी टाइम आपको जो चीज़ समझ में नहीं आए आप मेरे से पूछें और मैं आपको उसी टाइम बना के दिखा दूंगी। थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपने कलर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या आपने कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो भी आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं।